11 से 14 जब पढ़ते, कहता ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। परमेश्वर के लिए अब मैं जो जीवित हूँ तो पाप के लिए नहीं, बुराई के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए मसीह के लिए जीवित हूँ। मेरे जीवन से ये दिखना चाहिए। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। पाप सिन जो है ये एक शक्ति है, ये एक शक्ति है जो हमारे जीवनों पर क्या करना चाहती है, राज करना चाहती है, हमें अपना गुलाम बनाए रखना चाहती है। आप देख लो जो पाप दोहराते हैं, करना नहीं चाहते आप, लेकिन क्या है, किसमें है आप, कॉन्ट्रैक्ट में है, करना पड़ेगा, साइन किया आपने, पाप को अधिकार दिया आपने अपने ऊपर, समझ में आया। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। क्या करो, वही वर्ड आवाज, क्या कर दो, सौंप दो, गिव योरसेल्फ, परमेश्वर के गुलाम बन जाओ, धार्मिकता के गुलाम बन जाओ, पवित्रता के गुलाम बन जाओ। परमेश्वर ने हमें इसलिए नहीं छुड़ाया कि हम आजाद परिंदे बनकर घूमें। हम आजाद परिंदे हैं जी, हम यीशु के बंदे हैं जी, रहना हमने गुलामी में ही है, लेकिन पाप की नहीं, किसकी, यीशु मसीह। प्रभु करे कि ये वचन हमें अपना गुलाम बनाए, प्रभु करे कि जिस तरह पाप हम गुलामी के जैसे करते हैं और ना चाहते हुए भी वो करते हैं, वैसे ही वचन भी बड़ा करे गुलामी जैसे, वैसे कलाम के ऊपर भी चले गुलाम के जैसे, मजबूर होकर चले कि नहीं मुझे चलना ही होगा, मैं प्रभु का गुलाम हूं। अपने मन, अपने आप को मरे हों में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। जो एक एक अंग उसकी पुस्तक में लिखा गया है, वो एक एक अंग धार्मिकता के लिए परमेश्वर को सौंपना है। खुदावन, मेरे हाथ तेरी सेवा में लगे, मेरे पांव तेरी राहों पर चलें, मेरा शरीर तेरी बड़ाई करे, तेरी सेवा करे। हालेलुया, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। फिर इसके साथ 16 से 23 जब पढ़ते हैं तो लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो। हु इज योर मास्टर, कौन है आपका स्वामी, किसके गुलाम है आप, किसका हुक्म मानने के लिए अपने शरीरों को देते हैं आप? डेर ना करिएगा यीशु मसीह का नाम लेने, because he is not our master, वो नहीं है हमारा स्वामी, क्योंकि हम उसका कहना ही नहीं मानते हम। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो? इधर भी शब्द आया है डुलोस, डुलोस, हालेलुया। बंधुए गुलाम के जैसे आज्ञा मानने के लिए दासों के समान, बंधुए गुलाम के जैसे सौंप देना कि नहीं मैं, उसने कहा है तू व्यभिचार ना करना तो मैं ना करने के लिए बंधुआ गुलाम हूँ, उसने कहा चोरी ना करना तो मैं चोरी ना करने के लिए बंधुआ गुलाम हूँ, मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं बंधुआ गुलाम हूँ कलाम का। बोलो चलता जो रिस्क है, कोई वैल्यू यदि है वैल्यू, जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को, खड़े हो जाओ अपनी थान, खड़े हो जाओ, खड़े होके सुनो वचन, कैमरे तो हट जो, खड़ के सुनो, बह के थक गए ना, हाँ खड़ के सुनो, तानू जान नहीं देना आज मैं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के। क्या हम आज्ञाकारिता के गुलाम है? क्या हमने आज्ञाकारिता के लिए अपने आप को दासों के समान सौंपा? बच्चे शरारत नहीं करनी, मैं आज फेंट देना जे तानू आंडे अंगू, बच्चे बैठ जाओ, शरारत नहीं करनी, बोलिए आज्ञाओं के लिए हमने गुलाम के जैसे अपने आप को दिया। कहता है ध्यान दीजिए, हमने पढ़ा उस दिन वचन में, यदि हम खुदावंद की आज्ञाओं में नहीं चलते तो हमारे अंदर वही आसमान में बसने वाली अंधकोर की शक्तियां आज भी काम करती। लिखा है कलाम में, कहते पहले हम उस आकाश के हाकिम के अधीन चलते थे, अर्थात उस आत्मा के जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों के अंदर काम करता। इफ वी आर डिसोबेइंग गॉड, तो वो आसमान की शक्तियां आज भी हमारे अंदर काम कर रही। ये छोटी बात नहीं, कौन सा आत्मा काम कर रहा है, बोलिए दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर बैठी, चाहे पाप का जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है।
परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसको जिसके सांचे में डाले गए। ये देखो ईंट का सांचा में मिट्टी डाली जाती है, उसको ऐसे खड़का के उसके अंदर से मिट्टी को निकाला जाता है तो वो ईंट का आकार ले लेती है। वैसे ही ये कलाम है, क्या इसके सांचे में हम डाले गए? क्या मैं वचन के अनुसार चलते चलते वचन बनाऊं? क्या मेरी सोच वचन बनी है? क्या मेरा चाल चलन वचन बना है? क्या मेरा स्वभाव वचन बना है? क्या वचन के सांचे में मैंने वचन का आकार लिया है और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए? किसके डूलुस हो गए? राइचियसनेस, धार्मिकता के दास। हालेलुया। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्लभता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। जिस पैशन के साथ वे विचार किया करते थे, जिस भूख और लालसा के साथ बुराइयां किया करते थे, उस भूख और लालसा के साथ क्या करें? प्रभु के वचन के अनुसार चलें, वचन के गुलाम बने। हालेलुया। और यहां पर जहां जहां दास लिखा है वहां पर वही शब्द है, लेट माई पीपल गो सो दैट दे मे सर्व मी। वही शब्द है, आवाद यूनानी भाषा में डुलोस है, जिसमें वो सारे वर्ड आ गए जो हमने पढ़े। हां जी, काम करना, मेहनत करनी, बोझ उठाना, खेती करनी, गुलाम बन जाना। हालेलुया। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। जब पाप के दास थे तो क्या थे? धर्म की ओर से, इसकी तरफ से फिर हम आजाद थे। फिर क्या थे? वो डंगर जैसे थे जो कचरे में मुंह मार रहा था। लेकिन जब लगाम आ गई है तो लगाम जिसके हाथ में होती ना वो खींचता है, वो करता लेफ्ट राइट में। समझ में आया? ना हो कोड़ियां खचरा वांगर तू, ना हो सब गाय खचरा खच्चर नहीं बनना, ना हो कोड़े आ खचरा मांगर तू, के कुछ भी नहीं है समझ ओ नानू, के कुछ भी नहीं है समझ ओ नानू, लगा माते वांगा दे ओ ना दासा, लगा माते वांगा है ओ ना दासा, ना ओ रेंदे काबू विच ओ ना देबार। लगाम के बिना काबू में नहीं आते हो। आज लगाम रख लीजिए अपनी पीठ पर। क्या रखना? जुआ पता ना किसे कहते हैं, योक किसे कहते हैं, जो खेत में जो बैल हल जो होते हैं उनकी गर्दन के ऊपर रखा जाता है, योक उसे कहते हैं। आज यीशु मसीह का ये योग रख लीजिए अपने गर्दन के ऊपर। इसको ऐसे टका लेना अपने गर्दन के ऊपर। प्रभु तू कर मुझे लेफ्ट राइट जिधर जाना है, प्रभु तू बता मुझे किधर जाना है। इसको गर्दन पर रख लेना अपनी ऐसे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? हालेलुया। तो जब पाप के दास थे तो कहता धर्म की ओर से स्वतंत्र थे तो से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उसका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास डुलोस आवाद गुलाम बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। इसके गुलाम बनेंगे तब पवित्र होंगे। जब तक आप प्रभु की गुलामी में नहीं आते तब तक आप पवित्रता में नहीं चल पाएंगे, नहीं रहेंगे।